हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोज़ में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 18 दिसंबर 2020 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आज के दिन सन 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गाँव में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। ये भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, नारी विमर्श और दलित विमर्श के उद्घोषक, लोकगीत और भजन कीर्तन के अनन्य साधक रहे। भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। ये एक साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और इन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। राहुल सांकृत्यायन ने उनको अनगढ़ हीरा कहा तो जगदीश चंद्र माथुर ने भरत मुनि की परंपरा का कलाकार। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा गया है। दोस्तों, बात की जाए आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की तो आज के दिन सन 2011 को रामनाथ सिंह का निधन हुआ था, जिन्हें हम ज्यादातर अदम गोंडवी के नाम से जानते हैं। ये जाने माने भारतीय कवि रहे और इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में। घुटनों तक मटमैली धोती, सिकुड़ा मटमैला कुर्ता और गले में सफ़ेद गमछा। मंच पर मुशायरों के दौरान जब अदम गोंडवी ठेठ गवई अंदाज में हुंकारते तो सुनने वालों का कलेजा चीर कर रख देते थे। जाहिर है कि जब शायरी में आम आवाम का दर्द बसता हो तो शोषित कमज़ोर लोगों को अपनी आवाज़ उसमें सुनाई देती होगी, और ऐसी हुंकार कलेजा क्यों नहीं चीरेगी। अदम गोंडवी की पहचान जीवन भर आम आदमी के शायर के बतौर ही रही। इन्होंने हिंदी गजल के क्षेत्र में हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आज ही के दिन सन 2004 को विजय हजारे का भी निधन हुआ था। ये अपने दौर के जाने माने क्रिकेटर रहे और इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1915 को महाराष्ट्र के सांगली में। इन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी में 18 साल की उम्र से हिस्सा लिया था। इन्हें एक सुरक्षात्मक बल्लेबाज की संज्ञा दी जा सकती है। इंग्लैंड में लोगों की धारणा थी कि जो स्थान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में सर ब्रैडमैन को हासिल है, इंग्लैंड में ग्रेस को, वही स्थान भारतीय क्रिकेट में हजारे को मिलना चाहिए। विजय हजारे रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे। इन्होंने बल्लेबाजी में 2000 से ज़्यादा रन बनाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी 20 विकेट अपने नाम किए। इससे भी बढ़कर गौरव की बात यह है कि भारत ने सबसे पहले इन्हीं के नेतृत्व में अपनी पहली टेस्ट विजय हासिल की। तो ये था आज के दिन का इतिहास। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।